मैं सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सच लक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक एमएस ऑफिस सीरीज का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक एक्सेल में काफी कुछ कर लिया। फिलहाल ही हमारे एक्सेल की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ मिक्स ऑप्शन बताऊंगा। और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे धमाकेदार ऑप्शन बताने वाला हूँ जो अब तक आपने एक्सेल में कभी भी नहीं देखा होगा और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेल तो सभी करते हैं, एक्सेल के ऑप्शन भी सभी करते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एकदम वरदान जैसे साबित होने वाले हैं। ये एकदम यूनिक ऑप्शन है, आपने एक्सेल के कोर्सेज करते हुए भी टीचर्स आपको कभी भी ऑप्शन नहीं बताते हैं। तो एक बार इन ऑप्शन को बताना मैं जरूरी समझूंगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक से एक ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो इन ऑप्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में लगातार आपको जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारी एक्सेल की लास्ट वीडियो, ध्यान रखिएगा, और इसको बिल्कुल डिटेल्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर फिर भी पेशेंस के साथ इसको पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो की के साथ आर का बटन दबाएंगे दोस्तों, EXCEL एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे कीबोर्ड से। एक्सेल आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। हम यहाँ से अपनी पुरानी ऑल एक्सेल शीट्स ले लेते हैं, जिसमें हमारे प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ ऑप्शंस रहेंगे। और इसके बाद देन मैं आपको ऑल एक्सेल शीट्स में मार्कशीट पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलास वगैरह जो भी हैं वो देख रहे हैं, अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला बार में, ये हमारा मेन्यूज है, ठीक है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज इसको मैं ऑफिस बटन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसको आपको विनवर्ड एमएस वर्ड के अंदर भी बताया था, लेकिन मैं आज इसको फिर से एक बार दोबारा बताना अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि एक्सेल में भी ये चीज आती है तो उसको कवर अप कराना जरूरी है। साथ में कुछ अलग चीजें भी बताऊंगा जो कि एक्सेल में एकदम यूनिक होंगी। जैसे यहाँ पर हमने ये देख रहे हैं, आप इसको हम बोलते हैं फॉर्मुला का मतलब स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बार जो आ रहा है आपके बगल में, ये ऑप्शन आ रहा है सेव का, अंडू, रीडू, ये सब ऑप्शन यहाँ पे, और भी सारे ऑप्शन, किस तरीके से इनको ऐड करते हैं, हटाते हैं। कई बार हमारे सामने क्या होता है कि ये सिचुएशन आ जाती है कि हमारी जो ये जो बटन था ये गायब हो जाता है, कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से आता है, ऑप्शन नहीं मिलता। तो बच्चे मेरे से काफी पूछते हैं कि सर ये ऑप्शन कैसे हम क्लिक करके आते हैं, लेकिन हर बार ये दब भी बाहर क्लिक करते हैं, गायब हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ऑटोमेटिकली लाना है, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऑप्शन हमारे पास, जैसे शीटें आ रही है तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास, अगर आप कोई भी नई एक्सेल की शीट खोलो, मैं आपको खोल के न्यू शीट लेके दिखाता हूँ, तो उसमें बाई डिफॉल्ट तीन शीटें आती है या किसी में एक शीट आती है। तो ये क्यों एक शीट आ रही है, क्यों तीन शीटें आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स कितनी ले सकते हैं हम, और इनका कलर ब्लू ही क्यों आता है बाय डिफॉल्ट। जो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं ना, ब्लू है, तो ये ब्लू कलर में क्यों आता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। इनको चेंजेस करके भी दिखाने वाला हूँ, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लीज एक बार उनको भी देखिएगा, उनमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, इससे रिलेटेड भी काफी कुछ मिलेगा। और चूंकि मैं एक एमएस ऑफिस पर एक कोर्स करा रहा हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में, तो आप नीचे से मेरी एमएस ऑफिस में, आप जो मेरा प्लेलिस्ट है एमएस ऑफिस कोर्स का यूट्यूब पर, उस पर आप जाइए, स्टार्टिंग से आप एमएस ऑफिस कोर्स खोलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ पे इंट्रो है, बिल्कुल डाउन साइड में नीचे वाली वीडियो पे जाइए एमएस ऑफिस कोर्स इंट्रो में, और वहां से स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को आप देखते हुए आइए। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक्सेल अगर आपको सीखना है तो पर्टिकुलरली एक्सेल का एक अलग टॉपिक है, तो उस एक्सेल को ही आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लीजिएगा, जहां विनवर्ड के लास्ट वीडियो लिखी होगी उसके बाद एक्सेल स्टार्ट किया मैंने, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो देखिए, आप वहां से देखिए और जो भी देखे लेकिन लगातार देखिए, सीरीज में देखिए, ताकि आपको समझ में आए। अगर सिर्फ आपको एक्सेल सीखना है तो आप एक्सेल की वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली एक्सेल को ही सिर्फ मतलब डिटेल में सीख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक्सेल ही चाहिए, विनवर्ड वगैरह आपके लिए उपयोगी नहीं साबित होता है, तो आप एक्सेल भी डायरेक्टली सीखते हैं। जो भी आपको सीखना है, मेरे कहना मतलब सीखिए, बट स्टेप बाय स्टेप सीखिए और डिटेल में सीखिए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बोलते हैं दोस्तों ऑफिस बटन, ठीक है। नाम लिखा हुआ भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको किसी चीज का नाम जानना हो या उससे रिलेटेड शॉर्टकट की जाननी हो तो आप उसके पास पॉइंटर लेके जाइए अपने माउस का, और वहां पे जैसे ये एरो आएगी उसका नाम और उसकी शॉर्टकट की अगर कुछ होगी तो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। तो ये आपका ऑफिस बटन है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शन को आपको किस तरीके से यूज करना है वो मैंने आपको विनवर्ड में बताया था, तो आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, बट जो ऑप्शन यूनिक है, जो ऑप्शन बार बार यूज होने वाले हैं या जिनका बहुत ज्यादा उपयोग है, उनको मैं थोड़ा डिटेल में जरूर बताऊंगा। हालांकि मैं बता रखा हूँ विनवर्ड में ऑलरेडी, एमएस ऑफिस के विनवर्ड वाले सेक्शन में जो लास्ट वीडियो थी मिक्स ऑप्शन की, उसमें मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उसको देख लीजिए। और इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आती है ना, वहां पे मैं जो भी रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनके मैं टॉपिक्स लगा दूंगा। हर वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन आप जरूर चेक किया कीजिए, वहां पे उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लगा देता हूँ, तो आप उस पर क्लिक कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे और वीडियोस को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू होता है नया पेज लेने का दोस्तों, कंट्रोल एंड इसकी शॉर्टकट की होती है। जिस भी सॉफ्टवेयर में आप होंगे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड न्यू पेज आएगा। जैसे आप एक्सेल में हैं, एक्सेल में अगर आप न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज आ जाएगा। इस तरीके से क्रिएट करते रहिए, ठीक है। अगर आप पहले से कोई फाइल खोलना चाहते हैं जो यहाँ पर है, तो आप ओपन में आएंगे, कंट्रोल ओ शॉर्टकट की होती है, स्क्रीन पे दिखा भी रहा है, ओपन पे क्लिक किया आपने या कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं। पहले से अगर कोई फाइल बनी उस पर्टिकुलर फाइल को आप जाएंगे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जो भी फाइल आपको खोलनी है और आप इस तरीके से ओपन कर देंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। तो देखिए डेटा मेन्यू शीट्स के नाम से फाइल की खुल गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया कि ओपन से ओपन होता है। सेव आपका फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए होता है, ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो दोबारा तो सेव होगी नहीं, लेकिन अगर कोई नई फाइल होती है तो आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस दबा के, ठीक है, और सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस दिखा पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सेव एस क्या होता है, F12 से तो एस सेव एस होता है। अगर आप F12 दबाते हैं तो सेव की फाइल को दोबारा सेव करने के लिए सेव एस ऑप्शन का यूज होता है। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नाम से, ठीक है दोस्तों, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नाम से फाइल को सेव करने के लिए सेव एस ऑप्शन का यूज होता है। शॉर्टकट की इसकी F12 होती है, स्क्रीन पर दिखा भी रहा है, बाकी मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ कि ये फाइल ऑलरेडी सेव है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस दबाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से जाकर सेव करता हूँ तो भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं से F12 दबाऊँ अपने कीबोर्ड की स्क्रीन से, तो F12 दबाते ही इसको सेव करने के लिए अलग से डायलॉग बॉक्स खुल गया है, देख पा रहे हैं। तो ये सेव एस का डायलॉग बॉक्स है, आप नाम भी देख पा रहे हैं ऊपर कोने में लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो सेव एस से फाइल को अलग अलग नाम पे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट का यूज मैंने आपको विनवर्ड में बता दिया था, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आपकी फाइल को खोलने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, एमएस ऑफिस का पुराना सॉफ्टवेयर है, तो आप 97 to 2003 फॉर्मेट में भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रिंट का भी ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हैं आप, क्विक प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन होता है प्रिंट आउट लेने के लिए, सेटिंग्स वगैरह आ जाते हैं उससे रिलेटेड। जैसे आप इस पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है प्रिंट में। जैसे सारे पेजेस छापने हैं कि केवल यही पेज छापना है, या पर्टिकुलर पेज नंबर 5 से लेके जैसे आप देना चाहते हैं पेज नंबर 7 तक छापना है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन को छापना है जिसपे आप हो, केवल उसी को छापना है, ठीक है। एक्टिव शीट्स को छापना है जिसपे आप हो, एंटायर वर्कबुक को छापना है, वर्कबुक में जितनी शीट है 7-8 सबको छापना है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अभी प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है, प्रीव्यू आपका छपने के बाद किस तरीके से आता है वो प्रीव्यू दिखा देता है। आपकी आधी शीट इधर आएगी, आगे आपके नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, तो ये सब प्रिंट प्रीव्यू में शो कर जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये जो लाइन्स आ रही है प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद, ये लाइन्स आती है तो इससे आप कोई भी दिक्कत ना ले, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद क्विक प्रिंट आपका क्या होता है कि अगर आपको सारी सेटिंग पिछली वाली चीज डायरेक्टली प्रिंट आउट करना, तो आप यहाँ पे क्विक प्रिंट पर क्लिक कर दे, सीधे प्रिंट आउट के लिए निकाल देगा, ठीक है। यहाँ इस तरीके से सेव करने के लिए बोल रहा है प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो हमारे को प्रिंट आउट नहीं करना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यानी आप एक बार समझिएगा, अगर प्रिंट करते वक्त सेटिंग चाहिए सारी चीज सेट करनी तो प्रिंट पे, नहीं तो डायरेक्टली प्रिंट आउट करना है क्विक प्रिंट पे, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कि छपने के बाद किस तरीके से आएगा आपका नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका प्रिपेयर का ऑप्शन होता है। प्रिपेयर में मैंने आपको विनवर्ड में बताया था कि प्रॉपर्टीज में आप अपने जो वर्कबुक की डिटेल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। यानी अगर आपने कोई फाइल बनाई है जिससे रिलेटेड आप चाहते हो उसमें हिडन प्रॉपर्टीज डालना, अपना नाम वगैरह डिटेल डालना, ताकि आपकी वर्कबुक को या फाइल को पर्टिकुलर कोई चुरा ना सके, तो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए और वो सारी डिटेल्स इसमें डालिए, ठीक है। आपने क्लिक किया यहाँ पे डिटेल्स डालने के लिए, कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे, कुछ फॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे सच लक इसका ऑथर है, टाइटल इसका क्या है, ये मार्कशीट इसका टाइटल है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप डालिए। बेनिफिट क्या होगा इसका, बेनिफिट ये होगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप इसको खोलेंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो वहां पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई रहेगी इसमें। और सेव होने के बाद जब इसको कोई चुराने की कोशिश करेगा, तो आप वहां क्लेम कर सकते हो कि भाई ये मेरी सीट है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिपेयर में गए और यहाँ से हम गए प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे क्लिक किया हमने, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले तो फाइल खोलिए, कौन सी थी फाइल, वो थी ऑल एक्सेल शीट, ठीक है। ऑल एक्सेल शीट खोलते के साथ ही आपके सामने देखिए डिटेल मार्कशीट आ गई ना, और भी आप भरते तो और चीजें भी आती, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई आपके फाइल को चुरा नहीं सकता, ऑफिस वगैरह में काम करने के बाद प्रोजेक्ट के टाइम पे आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम बहुत आएंगी, जब आपके प्रोजेक्ट को कोई हथियाना चाहेगा या आपके प्रोजेक्ट को कोई क्लेम कर देता है कि ये मैंने बनाई है, रात भर मेहनत करके आपने बनाई, क्लेम कोई और कर देता है, तो वहाँ बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, बट यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यस करेंगे तो बता देगा कि इसमें क्या क्या डाटा डाला हुआ है इंस्पेक्ट करते ही, और सिर्फ डाटा को आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी डाली हुई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव करते ही री इंस्पेक्ट करके देखिए कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखिएगा कि अगर इससे आप डॉक्यूमेंट में डाटा डालते हैं तो इससे इंस्पेक्ट करके हटा भी सकते हैं। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनक्रिप्ट कर दीजिए शीट को। एनक्रिप्ट करते ही क्या होगा, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, याद रखेंगे, और सेव करने के बाद जैसे आप बंद करेंगे दोबारा सेव करने के लिए बोलेगा सेव कीजिए। सेव करने के बाद क्या होगा, जब भी आप इस फाइल में खोलेंगे, इस फाइल को खोलते ही पासवर्ड मांगेगा, विदाउट पासवर्ड दिए आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्शन थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें
पहले जो मैंने आपको प्रोडक्शन सिखाया था उसमें दोस्तों सिर्फ काम नहीं कर पाते थे हम। देखिए मैं आपको और एक्सेल शीट खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोडक्शन मांग रहा है। तो यहाँ पे जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप इस फाइल को खोल नहीं सकते। हमने पासवर्ड दिया जो डाला था और उनके सामने आपके मार्कशीट डाले, ठीक है। तो उस शीट का कोई डाटा इशू नहीं करेगा। और जो मैंने आपको रिव्यू में यहाँ से प्रोटेक्ट शीट बताई थी उसमें क्या होता था, डाटा तो आपको दिखता रहता था पर आप वहाँ काम नहीं कर सकते थे। और एक मैंने आपको और बताया था इससे पहले होम मेन्यू में, यहाँ पर बताया था कुछ मैंने आपको फॉर्मेट में, यहाँ से भी प्रोटेक्ट करना होता था। तो उसमें भी यही था कि काम नहीं कर सकते थे, बस बाकी डाटा दिखाई पड़ता था, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डॉक्यूमेंट का डाटा भी प्रोटेक्ट रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, तो और ज्यादा सेव हो जाता है और ज्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। दोबारा अगर आपको हटाना है तो एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाइए, वो पासवर्ड पर क्लिक कीजिए पीछे साइड में, मिटाइए उसको बैक स्पेस से और ओके करके आप इसको बंद कर सकते हैं। बंद करते ही नो का बटन मत दबाइएगा, यस का ही बटन दबाइएगा। इस बार दोबारा आपको सेव करके उसको बताना है। आप इसको जस्ट लाइक गजनी समझिएगा कि ये भूल जाता है हर बार, ठीक है। आपको हर बार इसको याद दिलाना पड़ेगा, वेदर आप पासवर्ड हटा रहे हो या वेदर पासवर्ड लगा रहे हो। जब भी आप पासवर्ड लगाओगे हटाओगे आपको यस करना मस्ट है, सेव करना मस्ट है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम खोलो तो आपको ये बात याद रहे कि हाँ भाई पासवर्ड हट चुका था या लगा हुआ था, ठीक है। देखिए मैं दोबारा खोल रहा हूँ आपके लिए, इस बार पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली वो शीट आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के बाद ये सब ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं थे। मार्केट फाइनल थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये काम का था, ये सब के लिए तो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम। मार्केट फाइनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मोहर का निशान आएगा इसके जस्ट बगल में, आप देखिएगा यस करते हो ओके, क्योंकि फाइल सेव है। ये आगे मोहर का निशान, अब इसके बाद आप इस पर काम नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरीका प्रोडक्शन होता है, बट इसमें भी डाटा आपके सामने शो हो रहा है, तो प्रीपेयर में जाकर कोई भी यहाँ से हटा सकते हैं। इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा सिक्योर नहीं मांगता, अब कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोहर का निशान जो यहाँ पे आ रहा था वो हट चुका था, ठीक है। करना कुछ नहीं है, लगाने के लिए प्रीपेयर में जाकर मार्केट फाइनल पर क्लिक कर देना है, हटाने के लिए भी वापस यहीं पर प्रीपेयर में आकर मार्केट फाइनल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पब्लिश सेंड से आप ईमेल वगैरह या इंटरनेट फैक्स भेज सकते हो, पब्लिश से आप इसको पब्लिश कर सकते हो ब्लॉग वगैरह में, या फिर आपके ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्वर वगैरह होते हैं ना जो कंपनी ने खुद खरीदे होते हैं, आपकी पर्सनल मेल आईडी वगैरह पे, वो सब कर सकते हैं। क्लोज से आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करके अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, इसको जो चेंजेस किए हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए, नो करते ही बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर तो स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक नई चीज और बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। ये तो आपका बेसिकली एक्सेल का ऑफिस बटन था, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट आप नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि ये मैंने विनवर्ड में बताया था। तो आप लोग सोच रहे कि इसमें फिर नया क्या था जो सर ने दोबारा बताया। देखिए दोस्तों, हम कोर्स कर रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी जरूरी तो है ही, साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि एक्सेल में भी बताना मेरा फर्ज बनता है, तो मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस चीज को करें, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि अब जो बताने वाला हूँ ये थोड़ा यूनिक है। ये ज्यादातर आपको चाहे आप कंप्यूटर कोर्सेस पैसे देके करते होंगे, उसमें भी कई लोग आपको नहीं बताते हैं, कई टीचर्स नहीं बताते हैं। तो ये जो चीज आपको यहाँ मिलने वाली है अब इस वीडियो में, जो कि मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ यूनिक चीज बताऊंगा, वो मैं अब बताने वाला हूँ। और इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस तो जरूर कीजिएगा। इसका शीट्स चाहिए हो तो मैंने आपको बारह बोला है, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, मैंने हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दिए हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, और बाकी आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे जाके, ठीक है, किसकी, क्लोज करके नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है ये आप राइट क्लिक कीजिए इसके बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो क्लियर आ रही होगी, देख रहे हैं, तो इसमें आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे न्यू पे ही लेने के लिए अगर आपको यहाँ पे टूल ऐड कराना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस पर टिक लगा, तो जिस भी ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे वो चीज यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अगर आपको कोई चीज नहीं थी उस पर टिक हटा दीजिए, ओपन का ऑप्शन गया, न्यू का ऑप्शन गया, तो इस तरीके से हम ऐड कराते हैं, ठीक है। फिर व्यू के बगल में राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सबका मतलब बताओ। मिनिमाइज रिबन कैसे क्या होता है, कई बार बच्चे इस पर क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से कुछ ऑप्शन आता है, ऑप्शन ही शो नहीं करते इस रिबन के ऑप्शन, जो डिटेल में मेन्यू इस तरीके से शो करते हैं ना, इस तरीके से ये रिबन के ये ऑप्शन ही शो नहीं करते। तो बच्चे बोलते हैं बाहर क्लिक करते सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा कैसे आएगा, तो उसको कर लेने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है मिनिमाइज पे से, दोबारा क्लिक करके टिक हटा देना है। टिक हटाते हैं ये पूरा फुल मिनिमाइज, जो पहले हमने क्लिक किया तो मिनिमाइज हो गया था रिबन, अब ये मिनिमाइज से मैक्सिमाइज होकर पूरा शो हो रहा है, फुल स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारे पास शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, ये क्विक एक्सेस टूल बार है आपका, ये आप चाहते हो कि रिबन के बिलो, रिबन कौन सा है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो आपका इतना दूर आ रहा है ये पूरा रिबन है, तो इसके नीचे ये जो चीज ऊपर शो हो रही है ये यहाँ पे नीचे आए, तो देखिए क्लिक कर दिए तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इस रिबन के, ये जो रिबन आ रहा था फॉन्ट अलाइनमेंट ये सब लिखा हुआ इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसी पे बोलते हैं कि नहीं शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, तो यहाँ पे आएगा ऊपर रिबन, जस्ट एम ऑफिस बटन के इस ऑफिस बटन के बगल में आप व्हाइट वाले पोर्शन पे, तो क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। लास्ट शायद मैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, जब भी बोलता हूँ क्लिक तो लेफ्ट क्लिक समझिएगा, राइट क्लिक करना होगा तो मैं आपको स्पेशल बोलूंगा राइट क्लिक, और ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एमएस पेंट वगैरह में भी बताया हुआ है आपको,
ठीक है, नोट पैड वोट पैड में, तो उनको भी जाके देखिए एक बार। कस्टमाइज करके एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ मेन्यूज डले हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम डिटेल में एक एक करके करने वाले। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं पॉपुलर से, तो पॉपुलर में आपके सामने कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले है ये कलर स्कीम, तो ये जो आपका ब्लू कलर आ रहा है ना आपकी पूरी शीट का, ये आपका जो पूरा विंडो का कलर ब्लू आ रहा है, तो उसको आप यहाँ से चेंज करके ब्लैक या सिल्वर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिल्वर करके दिखा रहा हूँ, ओके कीजिए, देखिए सिल्वर हो गया। ठीक है, अगर हम यहीं से जाएंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, फिर फॉर्मूला में पॉपुलर के अंदर, और यहाँ पर हमने किया ब्लू, तो ब्लू से दोबारा ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे कलर आते हैं, मैं बार बार करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ब्लू के बाद आप यहाँ से ब्लैक ले सकते हैं, तो ये ब्लैक हो जाएगा, ओके करते हैं, देखिए ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। पॉपुलर में गए, ब्लैक की जगह हमने फिर से ब्लू किया, और यहाँ से ओके किया, तो देखिए ओके करते ब्लू। तो अब डिटेल्ड में थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेंगे पॉपुलर। तो ये कलर स्कीम था कलर करने के लिए। अगर आपको डेवलपर टैब चाहिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप एडवांस एक्सेल वगैरह करते हो, तो यहाँ पे एक डेवलपर टैब भी आता है, आपने देखा होगा कई एक्सेल में डेवलपर टैब आती है, तो वो किस तरीके से लाई जाती है, इस चेकबॉक्स पर टिक लगा के, चेकबॉक्स पर टिक लगाया, शो डेवलपर टैब इन द रिबन, यहाँ पे। तो इतना करते के साथ ही दोस्तों ओके कीजिए, यहाँ देखिए अलग से डेवलपर टैब आने। इसमें क्या कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें आप विजुअल बेसिक वगैरह चला के, एमएस एक्सेल वगैरह में यूज होता है, मैंने आपको बताया ना एमएस एक्सेल में हम विजुअल बेसिक वगैरह का जो ऑप्शन है, इन सबको भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। तो यहाँ से ये आता है इस तरीके से डेवलपर टैब। तो कैसे जाएंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, पॉपुलर में, और दोबारा नई किए डेवलपर टैब, टिक लगाइए और यहाँ से कर दीजिए ओके, तो देखिए डेवलपर टैब गायब होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद कस्टमाइज की बात करते हैं पॉपुलर के अंदर। थोड़ा बार ये सब होने के बाद यहाँ से जो आपका बाय डिफॉल्ट साइज आता है 11 का, ठीक है, फॉन्ट का बोल्ड आता है, जो भी आता है, ये सब कुछ यहाँ से इंक्लूड दिस मिनी शीट, हमने एक शीट कर रखा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट नई जब भी हम शीट लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नई शीट लेने पे, नई वर्कशीट लेने पे हमेशा बाय डिफॉल्ट एक ही शीट आती है। क्यों आती है, ये देखिए एक शीट आती है, क्यों आती है, उसका रीजन यहाँ से जाके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाके पॉपुलर में जाके हमने बोला हुआ है कि भाई जब नई शीट लिया जाए तो वो एक ही शीट दिखाए वर्कबुक में, नई वर्कबुक में, न्यू वर्कबुक में इतनी शीटें हैं, ये फॉन्ट का साइज है, बॉडी फॉन्ट ये है, तो 11 का है नॉर्मल भी तो ठीक है, लेकिन हम साइज बढ़ा लेते हैं, कम से कम 3 शीटें हैं, तो ओके करते ही बाय डिफॉल्ट कितनी शीटें आएंगी, इसमें नहीं, आप नया लेके देखिए उसमें 3 शीटें आएंगी। न्यू किया, ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते 3 शीटें बाय डिफॉल्ट, है ना, ये 3 क्यों आई, क्योंकि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाके पॉपुलर में जाके यहाँ से हमने 3 दिया हुआ है। बॉडी फॉन्ट 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी फॉन्ट में हमने यहाँ से 11 दिया हुआ है। कलर ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ब्लू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ रही है, ब्लू यहाँ से क्यों आ रहा है, तो ऐसा करते हो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से फॉर्मुला है, फॉर्मुला में अगर आपको चाहिए कॉलम में एबीसीडी में आ रहे हैं, ये भी आपको काउंट करना है कि कॉलम कितने हैं, तो R1 C1 पे टिक लगा दीजिए रेफरेंस स्टाइल में और ओके कर दीजिए। ओके करते देखिए पूरा बदल गया ऑटोमेटिकली जितना भी आपका होगा। और एक खास बात और, अगर आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल का बटन दबाएंगे, राइट एरो की बटन दबाएंगे, ठीक है, और सीधे लास्ट कॉलम पे, तो देखिए लास्ट कॉलम है आपका 16384 कॉलम्स है। रो चाहिए तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो में जाइए और बिल्कुल लास्ट वाली रो में पहुंचा देगा, ये आपकी लास्ट रो नंबर है, ठीक है, ये वाली 10,48,576, 10,48,576। और अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाऊंगा, तो आपको पता चल गया रो है 10,48,576 और कॉलम है 16,384। और ये पता कैसे चला, राइट क्लिक करके कस्टमाइज कॉलम्स में गए, यहाँ से हम गए फॉर्मुलास पे और यहाँ से R1 C1 पे टिक लगाया, तो क्या हुआ कॉलम का जो स्टाइल है वो नंबर एक बदल गया, नंबर से बदल गया। और अब हम काउंट करेंगे कैसे, और हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे आएंगे निकल के, नंबर ऑफ सेल्स निकल के आते हैं दोस्तों रो इनटू कॉलम्स करके, ठीक है, तो हम करने वाले क्या है, हम करेंगे रो इनटू कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रो और मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, मैं एक्स डाल देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आता, तो या फिर आप मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से भी लगा सकते हो, रो इनटू कॉलम, ठीक है, तो मैं यही करने वाला हूं आपके लिए। देखिए इज इक्वल टू लगाने के बाद एरर दे रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे जाइए इसे इक्वल टू को हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, ठीक है, हो गया जी। इसके बाद रो इन टू कॉलम तो फॉर्मूला है, तो निकालेंगे कैसे नंबर ऑफ सेल्स, इस तरीके से निकालेंगे, कैसे, इज इक्वल टू लगाइए, नंबर ऑफ रो आपको पता है कितने हैं, 10,48,000, ठीक है, 10,48,576, 10,48,576 मल्टीप्लाई कॉलम 16,384 डालिए, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आई, एंटर दबाइए, देखिए आ गया ऑटोमेटिकली, तो नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ये, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम कॉलम को भी नंबर तक कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे राइट क्लिक करके, फिर से बता देता हूँ, व्यू के बगल में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल पर क्लिक करेंगे, फॉर्मुलाज पे जाएंगे, R1 C1 पे टिक हटा देंगे, तो ये फिर से बन जाएगा अल्फाबेटिक, और अल्फाबेटिक बनने के बाद तो आप नंबर ऑफ कॉलम पता कर नहीं सकते, और जब नंबर ऑफ कॉलम आप पता नहीं कर सकते इधर राइट साइड में, तो लास्ट कॉलम पे जाने के बाद भी आपको पता नहीं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमने पहले इसको नंबर ऑफ कॉलम्स को न्यूमेरिक बना के इसको नंबर्स में बनाने के बाद रो और कॉलम को इंटू करके तब हमने सेल का पता लगाया। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में गए, फॉर्मुला पे गए, ये तो मैंने आपको बता दिया था किस लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मुला ऑटो कंप्लीट ऑप्शन पर टिक लगाने का फायदा ये होता है कि जब भी आप फॉर्मुला टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सामने टिक दिखा देता है। मैं आपको उसको करके भी दिखाता हूँ, देखिए जरा कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबा के और ऊपर वाली एरो की दबा के मैं आया, इज इक्वल टू, मैंने सम का फॉर्मुला किया तो सम टाइप करते ही एस यू टाइप करते हैं, एस यू से जितने फॉर्मुले थे आ जाता है, सम टाइप करते सम आ गया, टैब का बटन दबाते फॉर्मुला ऑटो कम्प्लीट इस तरीके से आ जाता है, मतलब फॉर्मुला लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो इसी ऑप्शन को हम कहां से करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कस्टमाइज में से जाके फॉर्मुला में जाके इस ऑप्शन पर टिक लगाने के ऑटो कम्प्लीट होता है, ठीक है। यूज टेबल नेम्स इन द फॉर्मुला, ये जिस भी ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे वो सारे ऑप्शन दोस्तों होंगे, ठीक है। यूज गेट पिवोट डाटा फंक्शन इन पिवोट टेबल रेफरेंस, तो गेट पिवोट डाटा फंक्शन तभी काम करेगा जिस ऑप्शन पर टिक लगा होगा, अगर इस ऑप्शन पर टिक नहीं होगा तो गेट पिवोट डाटा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। प्रूफिंग में भी इसी तरीके से कुछ है कि इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अपर केस में जो वर्ड्स उनको इग्नोर कर दो क्योंकि टिक लगा हुआ इसलिए कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जिन पे भी टिक लगा हुआ वो सारे होंगे, एक एक करके देख सकते हैं। सेव में भी हमने बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें सेव कर रखी कि सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में ऑटो रिकवरी ऑप्शन को सेव करो, ठीक है। समझ आ रहा दोस्तों, अगर सर्वर पे आप सेव करते हो तो फाइल कहाँ पे सेव होगी, सी में, यूजर्स में, सचलक्ष के फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर, शेयर पॉइंट ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। ये सब चीजें हमने सेट कर रखी है, बाई डिफॉल्ट बुक 3 कर रखी है। ये सारे ऑप्शन आप कहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको बार बार करके बताया, एडवांस में भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। इतना डिटेल में हम एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि तरीका क्या होता है, कहाँ से जाके ये सारे ऑप्शन को किया था। लास्ट के दोनों ऑप्शन तो इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, रिसोर्सेज और ट्रस्ट सेंटर वगैरह, क्योंकि ये सब नेट से रिलेटेड ऑप्शन है, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में क्या करें इनको, ठीक है। इतना फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे काफी कुछ बता दिया है। और एक लास्ट बताना चाहूंगा, कस्टमाइज में, कस्टमाइज का भी ऑप्शन होता है कि जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे हैं। अगर आपको और भी ऐड कराना है, कैलकुलेट ना हो, तो यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कीजिए और ऐड पे क्लिक करके वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ से ओके करके वो चीज यहाँ पे भी ऐड हो गया, देखिए। और यही चीज हम यहाँ से भी जाके कैलकुलेट जो ऑप्शन है यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, इसके बगल में व्यू के बगल में कस्टमाइज, यहाँ से हम जाएंगे कस्टमाइज के अंदर, कैलकुलेट नाउ नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से कर दिए रिमूव और अगेन ओके, यहाँ से हट जाएगा। तो आशा करता हूँ इतने ऑप्शन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, बार बार बोल रहा हूँ कि व्यू के बगल में राइट क्लिक करना है, राइट मतलब राइट क्लिक करना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, और ये पूरा डिटेल आपके लिए खुल जाएगा। इसमें मैंने आपको सारे मेन्यू लगभग बता दिए, लास्ट के 2-3 जो है वो काम के लिए, एड इन हो गया, ठीक है, ट्रस्ट सेंटर और रिसोर्सेज, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके काम के लिए, बाकी मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कुछ जानना हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, विदाउट बेल आइकन दबाए सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं है, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।